देखो सम स्पेशल इंटीग्रल्स में थ्री टाइप्स का क्वेश्चन होता है, उसमें टाइप वन होता है फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा, डेवलप फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक हम बनाएंगे और बाकी बोलेंगे कि बाकी जो फॉर्मूला है उसको ना, मतलब फर्स्ट तीन का फॉर्मूला क्वेश्चन हम बनाएंगे और फिर लास्ट सिक्स का तुम लोग को बनाना है, ठीक है। टाइप वन में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट dx by 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझो इसको, इक्वल इंटीग्रेशन dx by 16 मतलब क्या था, 4 का स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, अब इसको देखो सॉल्व करना है हम लोग को, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला पे है बताओ, फॉर्मूला नंबर वन से, फॉर्मूला नंबर वन से, फॉर्मूला वन नंबर क्या होता है, 1/2a, ए की जगह पे क्या बताओ 4 है, 4 लिखिए, फिर लॉग लॉग बोलो, लॉग क्या आता है 4 4 + x 4 + x 4 - x + c ये कह रहे हैं यहाँ तक इक्वल टू 1/8 लॉग 4 + x / 4 - x कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे फैक्ट हो आंसर हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक वन मार्क्स का ऐसे दे देगा, अगर तुमको फॉर्मूला याद है वन मार्क्स तुम्हारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन नंबर टू देखो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 2x² - 50 ऐसा लिख दिया हम, थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई नंबर है, तो क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर रहता है उस नंबर से हम सब ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे देखो यहाँ पे, इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 2 / x² / 2 x² / 2 - 3y² - 5x² - 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला बताओ, x² - a² सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ही होता है ना, 1/2a, a की जगह पे क्या है मेरे पास 5 है, 5 लिख दिए, उसके बाद फिर log लोग बोलो क्या होता है x - a हो गया प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 10 होगा 20 हो जाएगा ना 20 log x - 5 + c आंसर। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तुम तुरंत बना सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्क्स का वन मार्क्स का बता रहे ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन मार्क्स का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन हम dx / 3x² - +48 लिख दिया हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे देखो, इसमें भी देख रहे हैं कि x स्क्वायर के साथ कोई कोई नंबर है, है नंबर, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है अगर इसको लिख देते हैं नीचे मैम, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन dx / 3x² + 48, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई नंबर है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है सबसे सबको डिवाइड करते हैं, इक्वल
इंटीग्रेशन डी एक्स बाई थ्री बाई क्या लिखे हमने तो थ्री बाहर कर देंगे नहीं इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 वन बाई थ्री इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ठीक है इक्वल क्या फॉर्मूला लिख देंगे बोलो वन बाई थ्री तो पहले से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता बताओ क्या होता फॉर्मूला इसको थ्री और फोर कर देंगे वन बाय ट्वेल्व टेन इनवर्स एक्स बाई फोर प्लस सी कोई दिक्कत देखिए हम तो फर्स्ट तीन जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसके बेस का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ऐसा होता है इसको बोलते हैं टाइप वन जो फॉर्मूला बेस्ड रहता है उसका टाइप वन ठीक है उसके बाद फिर हम दूसरा टाइप का सीखेंगे फिर तीसरा टाइप का सीखेंगे तीनों टाइप का क्वेश्चन सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये चैप्टर एंड ठीक है ठीक है।